दुर्घटना, बहुमूल्य क्षेत्र एनैया नदी के पुल का सांसद ने किया भूमि पूजन। इटावा कन्नौज हाईवे स्थित भरतना के ग्राम बाहरपुरा एनैया नदी पुल का सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने शुक्रवार 1 बजे भूमि पूजन किया। इससे पूर्व उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह रोड इटावा से बिदुना होते हुए कन्नौज कानपुर की ओर जाता है। यह महत्वपूर्ण रोड है, इसका चौड़ीकरण हो रहा है। बाहरपुर के पास एनैया नदी का पुल खराब स्थिति में बना है। खराब स्थिति का मतलब जहां पुल बना है वो जगह कमान की तरह है। आज दिन यहां एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े वाहन गड्ढे में चले जाते हैं। तो यहाँ नया पुल का शुभारम्भ हो रहा है, मुझे लगता है एक्सीडेंट से बचाव होगा और बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो इटावा से बिदुना रोड जाता है और इटावा से कन्नौज कानपुर रोड जाता है, महत्वपूर्ण रोड है, जिसका चौड़ीकरण हो रहा है और इसमें एक कन्हैया नदी है जिसका पुल बहुत खराब स्थिति में बना है। खराब स्थिति का मतलब जहाँ पुल बना है वो जगह पूरी कमान की तरह है, तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बस और वाहन पूरा के पूरे गड्ढे में चले जाते हैं। तो यहाँ पर नया पुल का आज शुभारंभ हो रहा है और मुझे लगता है एक्सीडेंट से बचाव होगा और बहुत अच्छा रहेगा। सर, जन सुनवाई की, आपने कुछ शिकायत भी आई, सपेरों को शिकायत की आपसे? नहीं, कुछ समस्याएं तहसील की थी, कुछ एक आध घटनाएं पुलिस से संबंधित थी, तो यहाँ सीओ साहब है, एसडीएम साहब है, सबका निराकरण। परियोजना निदेशक संजीव ने बताया, हमारा प्रोजेक्ट भरतना चौराहा से लेकर कुदरकोट तक है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 40 किलोमीटर की है। परियोजना में कुल 4 पुल हैं, जिसमें 3 माइनर ब्रिज हैं, 1 चितभवन पुल है। इस परियोजना की कुल लागत 252 करोड़ रुपए है। इस काम को करने में हमको 18 माह का समय लगेगा। ये वाला प्रोजेक्ट हमारा जीरो से लेकर स्टार्ट होता है, जो भटना चौराहे पे 0 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर हमारा कुदरकोट पे खत्म होता है। और इस परियोजना में 4 पुल बन रहे हैं, जिसमें से कि एक मेजर ब्रिज है जिसका स्पैन 75 मीटर का है। इस परियोजना की कुल लागत 252 करोड़ रुपये है और ये परियोजना ख़त्म करने में हमको 18 माह का समय लगेगा। और हमारे को स्टार्ट डेट जो मिली है वो 23 मार्च से मिली है, तो 23 मार्च के हिसाब से जोड़ते हुए 18 महीने के अंदर हम ये परियोजना को पूरा करेंगे। थैंक यू।